आज मैं बना रही हूँ सूजी और अंडे का हलवा। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। ये मैं हलवाई स्टाइल में बनाऊंगी। सबसे पहले हमें एक पीठा चाहिए। इसमें मैं 3 कप पानी ऐड करूंगी। ये 4 अदद मैंने इलायची ली है। इलायची को मैंने खोल ली है जीरे ऐड करने के साथ ही। ऑरेंज फूड कलर ली है 1 चुटकी, ये भी साथ ही ऐड कर देंगे। अब पानी को तेज आग करके बॉईल करेंगे। पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसकी मैं आग बंद करती हूँ और इसको एक साइड पे रखती हूँ। अब मैं हलवा बनाना शुरू करती हूँ। और एक पैन लिया है मैंने, उसके नीचे मैंने हल्की आग चलाई है, बिल्कुल हल्की आग होनी चाहिए। इसके अंदर मैंने 1/2 कप देसी घी लिया, ये ऐड करेंगे। घी को गर्म होने देंगे। हमारा गर्म हो चुका है। 1 कप मैंने सूजी ली है, ये ऐड करेंगे। दो टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है, ये साथ ही ऐड कर देंगे। अब इन दोनों चीजों को हल्की आग पे भून लेंगे। हल्की आग पे भूनते जाएंगे और गोल्डन सूजी करते जाएंगे। मिनट हो चुके हैं सूजी को भूनते हुए। सूजी का कलर चेंज हो गया, हल्का सा पिंक कलर आ गया। अब इसमें मैं काजू ऐड करूंगी। थोड़े से मैंने काजू लिए, काजू अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये थोड़े से मैंने बादाम लिए, ये भी साथ ही ऐड कर देंगे। और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे और थोड़ा सा कलर और चेंज करेंगे सूजी का, और ड्राई फ्रूट भी साथ ही भून लेंगे। सूजी हमारी अच्छी तरह भून गई, ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह भून गए। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी जो मैंने गर्म करके रखा हुआ था वो ऐड करेंगे और इसको मिलाते जाएंगे। पानी सारा मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। 1 कप मैंने चीनी ली है और इसको मिक्स करेंगे। हल्की आग पे हम इसको पकाएंगे। हल्की आग पे पानी खुश्क होने तक हलवे को पका लेंगे। बिल्कुल स्लो आग पे पकाना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा हो गया हलवे का। हलवे का पानी खुश्क हो गया, हलवा इस तरह का हो गया। ये थोड़ा नरम रखना है हमने हलवा। ये 2 अदद मैंने अंडे लिए, अंडों को मैंने फेंट दिया, ये भी साथ ही ऐड कर देंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। हाथ नहीं रोकना आपने, चम्मच प्रॉपर चलाना है। हलवे में चम्मच चलाते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे ताकि हमारा घी अच्छी तरह ऊपर आ जाए। हलवे को मैंने अच्छी तरह भून लिया, हलवे ने घी छोड़ दिया। अब मैं इसकी आग बंद करती और इसको प्लेट में निकालती हूँ। हलवे को मैंने प्लेट में निकाल लिया। हलवा बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।